Hello students, myself Mohammad Shahnawaz Alam. It's my 38th video lecture on the topic today, differentiation of parametric function. Suppose, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि what is parametric function, okay? Suppose if y is the function of t and x is the function of t, ठीक है ना? Different names लिया मैंने, where t is parameter. Then if we want to find dy by dx, तो हम सबसे पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, dy वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा एफ डैश टी, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dx एक्स बाई डी टी इज जी डैश टी. नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड dy वाई बाई डी एक्स, वी वॉन्ट टू फाइंड dy वाई बाई डी एक्स. तो dy वाई बाई डी एक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे dy वाई बाई डी टी, और इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ओके, dt टी बाई डी एक्स, ताकि LHS और RHS बैलेंस रहे. तो dy वाई बाई डी टी इज एफ डैश टी, और dt टी बाई डी एक्स इज, इसको उलट के लिख दो, 1 बाई जी डैश टी, ओके. अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं, आज मैं बनाकर दिखा रहा हूँ ये बोर्ड पर, ठीक है. क्वेश्चन है, मान लो इफ x इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर ऐसे ले लेते हैं थीटा प्लस कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू मान लेते हैं b साइन थीटा है, b साइन थीटा, देन फाइंड dy बाई डी x, फाइंड dy वाई बाई डी एक्स, ओके. तो सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन वी हैव जो दिया हुआ है, वी हैव x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, a थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको 1 मान लो, और y इज इक्वल टू दिया हुआ b साइन थीटा, इसको 2 मान लेते हैं. डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके. तो ये हो जाएगा dx एक्स बाई डी थीटा, तो ये a और थीटा की जगह 1 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ओके. और ये हमारा dy वाई बाई डी थीटा हो जाएगा b साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, cos थीटा, ओके. तो देयरफॉर हमको निकालना क्या है, dy वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास dy वाई बाई डी थीटा, थीटा इज पैरामीटर ओवर हियर ना, डी थीटा बाई डी एक्स. तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी थीटा इज b cos थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स इज, डी थीटा बाई डी एक्स इज, इसको उलट के लिख देंगे 1 बाई ए 1 माइनस cos थीटा, ओके. तो ये हो जाएगा b बाई ए इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा, ओके. अगर हम इसको और चाहेंगे तो सेटअप बना सकते हैं, लेकिन बस छोड़ देते हैं इसको, ये आंसर हो जाएगा ना, और हम चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन इसको यहीं छोड़ देंगे, ओके ओके. तो दैट्स इट, ये आंसर हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है. एक और प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन है इफ वाई इज इक्वल टू, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ए टी स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू मान लो 280 है, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू माइनस 1 पे. सॉल्यूशन वी हैव वाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 280, ओके. अगर हम इसको वाई टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई बाई डी टी, ए टी स्क्वायर हमारा क्या होगा 2t, मतलब ये आ गया हमारे पास 2t, और ये डी एक्स बाई डी टी इज, ये आ गया हमारा 2a, ओके. तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी टी इज 2at इंटू डी टी बाई डी एक्स इज 1/2, ये a और ये 2, ये a और ये 2 कैंसिल, बच गया हमारे पास 50, ओके. तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू माइनस 1 पे, ये तो माइनस 1 ही हो गया, ये आंसर हो गया ना, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन है इफ़
y इज इक्वल टू टी ए टू द पावर 2t एंड x इज इक्वल टू साइन टी माइनस कॉस स्क्वायर टी. तो फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड dy वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे. तो सॉल्यूशन है, वी हैव टी इज इक्वल टू क्या है, टी ए टू द पावर 2t है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो, y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू तो dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो u इंटू वी में प्ले होगा, तो u रहा तो e टू द पावर 2t का क्या होगा, 2 e टू द पावर t प्लस e टू द पावर टी 2t रहा तो t का 1, यहाँ से e टू द पावर 2t कॉमन, यहाँ से अगर e टू पावर 2t अगर कॉमन है, यहाँ से अगर e टू पावर 2t कॉमन है तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास t प्लस 1, ये 2t प्लस 1. ओके, ये dy वाई बाई डी टी हो गया. अभी हम देखेंगे x को डिफ्रेंशिएट करके, x क्या है मेरे पास साइन t माइनस कॉस स्क्वायर t, तो dx एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, साइन t का कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी का क्या होगा, टू कॉस टी, और कॉस टी का माइनस साइन टी. ओके, तो ये आ गया कॉस टी माइनस माइनस प्लस टू कॉस टी, साइन टी क्या होता है, साइन टू टी है ना, साइन टू टी. तो देयरफॉर हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी इज ई टू पावर टू टी, टू टी प्लस 1, और dt टी बाई डी एक्स इज ये तो घूम के लिखाएगा 1 बाई कॉस टी प्लस साइन 2t. ओके, तो हमें वैल्यू देखना है इसका एट x इजिकल टू 0 पर, मतलब एट t इजिकल टू 0 पर, dy वाई बाई डी एक्स एट टी इजिकल टू 0 पर देखो तो वैल्यू क्या देगा, e टू पावर 0 तो 1 देगा, ये 0 देगा, मतलब ये ऊपर में 1 आ रहा है, और यहाँ cos 0 क्या देगा 1, और साइन 0 0 है ना, मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया 1. ओके, आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपको. ओके.